पहले दोस्तों इस वीडियो में भी मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है बादशाह की तरफ से। तो बादशाह ने कुछ स्टोरीज डाली हुई थी। एक मैंने लिखा हुआ था द प्रॉब्लम विथ मी इज दैट आई मेक इट लुक ईजी। एक मैंने लिखा हुआ था कमिंग फॉर एवरीथिंग। और मैं आपको बता दूं कि रफ्तार ने भी कुछ दिन पहले एक स्टोरी डाली हुई थी जिसमें उन्होंने अलग से लिखा हुआ था कमिंग फॉर एवरीथिंग। तो क्या हमको रफ्तार एक्स बादशाह देखने के लिए मिल सकता है? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही आपको पता होगा कि बादशाह पर फेक व्यूज को लेकर केस चला हुआ था, तो उसी के बारे में एक जर्नलिस्ट हैं गुरनील कौर करके, उन्होंने एक वीडियो डाली हुई थी और उस पोस्ट को इक्का पाजी और बादशाह दोनों ने लाइक भी किया हुआ है। आप खुद देख सकते हो ये क्लिप्स। ओ है गए सागर गोखले, ओना नू बुलाया सीगा एंड गोखले वाज कॉल्ड टू रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट इन बादशाह फेक सोशल मीडिया फॉलोअर्स केस। एक तो ये भी बड़ी कंफ्यूजन हैगी है कि तुसी केस केड़ा हैगा, इज इट सोशल मीडिया फॉलोअर्स केस, इज इट फेक व्यू केस, इज इट व्हाट, यू डोंट इवन नो अबाउट दैट। ठीक है, सो ये केस दी क्लैरिफिकेशन भी नहीं हैगी इतने। पुलिस हैव नाउ कॉल्ड द कंपनी CFO एंड वीडियो नेटवर्क मैनेजर्स अलोंग विद गोखले टुडे फॉर इन्वेस्टिगेशन। दे हैव फाउंड एन इनवॉइस शोइंग दैट बादशाह हैज पेड दिस ऑर्गेनाइजेशन 75 लाख फॉर एडवरटाइजिंग। ये जी पेमेंट हैगी GST कटिया हुआ है, GST कटिया हुआ है, मतलब सरकार फ्रॉड कर रही है। वर्ड्स देखो जो यूज किए हुए हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग फ्रॉड। This is not a social media marketing fraud, for God's sake. This is a GST invoice. जे इस fraud दे विच तुहाडे GST दे invoice कट रहे ने, फिर वो सरकार की है? इहदा मतलब जे तुहाडे कोल अखबार आंदी है उहदे च किसे दी ऐड लगी हुई है, ते कार्रवाई होनी चाहिए कि तुसी अपना कुकर प्रमोट नहीं कर सकते, तुसी अपनी यूनिवर्सिटी प्रमोट नहीं कर सकते। अगली जो न्यूज है वो आ रही है MEV की तरफ से। जो 6 प्यार हैं उन्होंने Q&A रखा हुआ था जिसमें किसी ने पूछा हुआ था व्यूज ऑन MEV भाई, तो इस पे उन्होंने क्या कहा हुआ है आप खुद देख सकते हो। मैं गिग में मिला था, अगर आई वाज जजिंग एंड MEV हैज परफॉर्मड देयर एंड हैज वन दैट कॉम्पिटिशन, और हम लोग का थोड़ा सही वाइब हुआ था, बिकॉज़ ही इज रियली जेन्युइन हम्बल पर्सन जो हसल है, और उसने जिस कंसिस्टेंसी के साथ किया है एंड द वे ही हैज द यू नो एक खुद का एक पाथ बनाया उसने, वो कमेंडेबल है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कलमिंग की जो कोल्ड वर्ल्ड एल्बम है वो रिलीज हो चुकी है। इस फुल एल्बम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आपने सुन ली है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि ये एल्बम आपको कैसी लगी। साथ ही 50th राजस्थान हिप हॉप साइफर हो रहा है, जो कि इंडिया का बिगेस्ट हिप हॉप साइफर है, जिसमें कि 120 से भी ज्यादा आर्टिस्ट आ रहे हैं 9 जुलाई को। साथ ही सिलोविच की जो श्रीमद भगवद गीता एल्बम है उसका 11वां अध्याय भी रिलीज हो चुका है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।